नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हम एक ऐसे मुद्दे से आपको रूबरू कराएंगे जो नगर परिषद में उसकी सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिवान के वार्ड संख्या 9 के पार्षद सलीम सिद्दीकी उर्फ पिंकू के बारे में। सलीम सिद्दीकी उर्फ पिंकू नगर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नगर सभापति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। हालांकि अभी तक त्यागपत्र एक्सेप्ट नहीं हुआ है कि उनसे जब तक सभापति से बातचीत नहीं होगी तब तक इसके क्लियर नहीं किया जा सकता है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि नगर पार्षद सलीम सिद्दीकी उर्फ पिंकू को अपना त्यागपत्र नगर सभापति सिंधु सिंह को सौंपना पड़ा। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्वयं यहाँ पे सलीम सिद्दीकी उर्फ पिंकू जो नगर पार्षद हैं। आपका एटीएन लाइव में स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप अपना त्यागपत्र नगर सभापति को सौंप दिया। हमारे वार्ड में गरीब मजदूर लोग रहते हैं, वो लोग रोज काम करते हैं और रोज उनका दहाड़ी पर उन लोग का मिलता है। और आज का परिस्थिति ऐसा हो गया कि सब कोई राशन कार्ड कह रहा है कि राशन कार्ड आज रहता तो हम आपके पास नहीं दौड़ते, हम अपना अनाज उठाते और अनाज हम खाते। और दूसरा बात, कार्यपालक पदाधिकारी से हम मिले और सिंधु सिंह मीटिंग भी हुआ, सदन में सशक्त का बैठक हुआ, उसमें हम बोले कि यो साहब 8 करोड़ रुपया हम लोग का नगर पालिका में पड़ा हुआ है, लगभग आठ करोड़ रुपया हुआ। तो हम बोले कि 2.5-3 लाख रुपया सारे वार्ड में, जो 38 वार्ड में अनाज का वितरण दे दिया जाए, कर्मचारी के द्वारा भेज दिया जाए सारे वार्ड में और वार्ड पार्षद के देख रेख में बटा जाएगा। तो वो बोले कि ऐसा हम लोग का सर्कुलर नहीं है, उसके लिए जिला आपदा पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, वही कर सकते हैं। तो क्या अभी तक त्यागपत्र आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि आज 18 तारीख को हम दिए हैं और 19 को संडे था। अब मंडे आज ऑफिस खुला होगा तो अगर सभापति आएंगे तो उस पर उनका काम है विचार करने तो के लिए। कुल मिला जुला कर पिंकू जी, माना जाए कि वार्ड पार्षद की बातों को अनदेखी की गई जिसको लेकर के आपने रोष देखा गया और इस तरह से आपने त्यागपत्र सौंपा। नहीं, अनदेखी नहीं किया गया है, अनदेखी के सरकार का सर्कुलर नहीं है। एक चीज़, ये चर्चा चल रहा है आपके पार्षदों के बीच, आप सभापति के गुट के हैं जी जी, और आपने जो त्यागपत्र दिया है जी जी, इस शायद इसीलिए अभी तक आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है। देखिए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का उनका अधिकार है, क्योंकि जिला उपाध्याधिकारी हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी विधायक अपना विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद का जो मेंबर है वो सभापति को ही देता है, उसी तरह नगर परिषद के जितने पार्षद हैं 38 उनका एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का पावर सभापति को, दूसरा किसी का नहीं है। तो क्या लग रहा है कि हो जाएगा? अब तो हम नहीं बता सकते, हम तो चाह रहे हैं कि अगर नहीं हो चाहे हो जी। आप कितने टर्म से पार्षद हैं? हम 2012 से हैं। 2012 यानी कि 2 टर्म हो गया जी, जी जी। 2 टर्म से अगर हम बात करें तो इसके बीच में कई घोटाले के मामले नगर परिषद के सामने आए हैं और जिस तरह से आज जनता की आवाज़ों को आपने सामने रखने का काम किया है और उनके लिए आपने अपना त्यागपत्र सौंप दिया, इस बीच जो घोटाले सामने आए इन घोटालों की आवाज़ आज तक आपने क्यों नहीं नगर परिषद में उठाने का काम किया, क्योंकि ये जनता से जुड़े मामले थे, आज क्यों इस तरह का मामला? देखिए, नगर पालिका का जो नगर परिषद का घोटाला, कहीं घोटाला का बात नहीं, अगर जब भी घोटाला अगर होगा उस पर कानूनी कार्रवाई हुआ है, FIR। आपने आपने आवाज क्यों नहीं उठाया ये पिंकू जी, हम जानना चाहते हैं एक जन प्रतिनिधि होने के नाते जी, जी। जनता के लिए, सिवान नगर परिषद क्षेत्र की जनता के लिए आज जो आप आवाज बुलंद कर रहे हैं अपने वार्ड के लोगों के लिए, कई घोटाले सामने आए हैं, चाहे वो जमीन से जुड़ा मामला हो, लाइट का जुड़ा मामला हो, सोलर से जुड़ा मामला, आप लोगों से छुपा नहीं है, आज तक आपने
क्यों नहीं किसी मामले का उजागर किया, सामने लाया? भी नगर परिषद के बैठक होती है, उस सदन में हमारा आवाज़ उठता है, और जिस जिस पर अगर घोटाला पर हो उस पर कार्रवाई है। अभी हमारे बड़ा बापू पर लोग आरोप लगाए हैं 90 लाख का चेक का, उनको भी सस्पेंड किया गया है। और इसके पहले भी जो लाइट वाला मामला आप कह रहे हैं उस पर FIR दर्ज हुआ है, आज भी वो केस चल रहा है। इसका काम पदाधिकारी का काम है, हम लोग का नहीं है कि FIR कराने का। हम लोग का मान लीजिए कि वार्ड नंबर 4 आपको तो उस समय ये बात रखनी चाहिए ना कि इतना घोटाला हो रहा है, हम लोग की बातों को अनदेखी की जा रही है, तो उस समय त्यागपत्र आपको लगा देना चाहिए था जनता के हित में। आज क्यों, लॉकडाउन है, विकट परिस्थिति है, और उस समय नहीं, और आज क्यों, ये सवाल जनता आपसे जानना चाह रही है। उस वक्त परिस्थिति कुछ और था, आज का परिस्थिति क्या थी, ये बताइए। आज बताइए जनता को क्या परिस्थिति थी। आज घोटाला का परिस्थिति नहीं न है, आज तो भूखे लोग मर रहे हैं, अनाज की कमी है। लेकिन जो घोटाला है वो भी तो जनता की गाड़ी कमाई है ना। ठीक है, तो उस पर कार्रवाई हुआ है, जिस जिस आदमी पर तो FIR। सवाल यह है कि उस समय आपने त्याग पत्र क्यों नहीं सौंपा? तो उस वक्त हमको जानकारी नहीं था। आप सदस्य हैं, मेंबर हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, और आपको अगर जानकारी नहीं है तो फिर जनता को कैसे जानकारी होगी? ठीक है, हम बता रहे हैं जो उस वक्त प्रोसीडिंग में होता था, EO और वो लोग मिलकर आपस में बंटवारा कर लेता था, हम लोग को जानकारी नहीं होता था। आप जहाँ कहिएगा इसके लिए हम जा सकते हैं, हम लोग को जानकारी नहीं होता था। हम लोग को कानों तक दूसरा आदमी के माध्यम से पता चलता था कि FIR हुआ तो कैसा घोटाला हुआ, हम लोग को जानकारी नहीं हुआ। तो जब जानकारी हुई अगर माध्यम से ही किसी के, तो उस समय तो आवाज़ आपको उठानी चाहिए। उस वक्त FIR हो चुका था, कंप्लेन हमारे पार्षद लोग, सहयोगी लोग कंप्लेन किया, उस पर FIR हुआ, आज भी वो केस चल रहा है। जो भी घोटाला करेगा उसको FIR करना प्रशासन का काम है, हम लोग का काम है उजागर। एक सवाल पिंकू जी और है, ये आपके पार्षदों का ही सवाल है कि एक हाई वोल्टेज ड्रामा करके और इस तरह का, ये जो आपने जो इस्तीफा का काम किया है, ये हाई वोल्टेज ड्रामा एक किया जा रहा है और एक बड़े घोटाले करने की एक साजिश रची जा रही है, क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें बताइए ना, बड़े घोटाला का क्या है आपका? अब तो आप ही ने बताया है कि 8 करोड़ रुपया नगर परिषद में है, और आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि 2.5 लाख रुपया आप चाहते हैं कि वार्ड में चला जाती है, तो इसको क्या माना जाएगा? अगर 2.5 लाख रुपया जा रहा है तो 38 से आप उसको गुना कर लीजिए, कितना हो गया, तो इसको क्या माना जाए? और आपने सब कुछ कह दिया कि 2.5 लाख रुपया हम चाहते थे कि वार्ड में जाए, तो ये एक क्या कहा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा है और इस ड्रामे के तहत इस तरह की एक साजिश रच करके और इस तरह से काम किया गया? ये वार्ड पार्षदों का आरोप है। देखिए, साजिश का कोई बात नहीं है। EO साहब से हम बोले कि हम लोग 8 करोड़ रुपया रखा हुआ है, 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख का अनाज कर TC के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, हमारे देख रेख में, इसमें घोटाला का, अगर मान लीजिए घोटाला का बात है तो लोग भूखे मरेगा। आपदा प्रबंधक इतना खाना बंटवा रहे हैं तो क्या वो घोटाला कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। सवाल यहाँ उठ जाता है कि आज क्यों, सवाल यही है कि आज क्यों इतने बड़े मामले सामने आए, घोटाले के मामले, लेकिन पिंकू जी ने आज तक आवाज़ नहीं बुलंद की। और आज इस परिस्थिति में जब 8 करोड़ रुपया आपको अकाउंट में दिखने लगा तो आपने अपना इस्तीफा लगा दिया, इस्तीफा अपना दे दिया, तो इसको क्या माना जाए, जनता इसको क्या माने? लोग को 8 करोड़ रुपया EO साहब बताए, हमको जानकारी नहीं है। वो बताए कि पैसा है, मगर नगर विकास विभाग से निर्देश नहीं है कि अनाज खरीद कर बंटवाने के लिए। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी पार्षदों का जो आरोप है कि हाई वोल्टेज ड्रामा, इसे क्या आप मानते हैं? देखिए, हम पार्षद पर आरोप नहीं लग सकते, जानता है पार्षद है, कोई कुछ भी कर नहीं, सकता आरोप के नहीं, उनका कहना है कि हाई वोल्टेज ड्रामा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम पार्षद के खिलाफ नहीं बोल सकते, उन लोगों को जो समझ में आए, मतलब कि ड्रामा है या नहीं, ये आपसे जानना चाहते हैं। ड्रामा रहता तो हम क्यों, जैसे हमको सभापति चाहे उप सभापति चाहे कोई भी हमारे माननीय सदस्य, वो हमसे कोई साठ गांठ नहीं है। हम अपने आप तो सभापति के गुट के हैं, ये तो पूरे लोग जानते हैं। सभापति को भी नहीं मालूम है, हम अपने मर्जी से, हम उन पर त्याग पत्र दिया है, आपने आप गुट के हैं, 3 रोज होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपका एक्सेप्ट नहीं किया गया लेटर को। 3 दिन आपसे हम पहले ही बोले कि शनिवार को शाम में हम दिए हैं, कल संडे था, आज मंडे है, वो आएंगे तभी ना एक्सेप्ट करेंगे चाहे रिजेक्ट करेंगे। अब तो आप सभापति से पूछ सकती हैं, और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी से पूछिए कि आए
आए हैं तो घोटाला हो रहा है कि मान लीजिए सैनिटाइजर खरीदाया है, चूना खरीदाया है, ब्लीचिंग खरीदाया है, उसमें कितना घोटाला हुआ है। ये तो आप लोग ना, तो ये तो आप लोग ना उजागर करेंगे। हमने तो खबर चलाया था, परसों ने आवाज उठाई थी, लेकिन आपने आवाज नहीं उठाया था। आज आप आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हम सवाल आपसे कर रहे हैं। ये पावर आप बताइए कि क्या कुछ घोटाला है, आप बताइए, हम उसको उजागर करेंगे। कहीं घोटाला नहीं, वित्तीय पावर हम लोग के हाथ में नहीं, वित्तीय पावर का है एग्जीक्यूटिव के हाथ में। जो भी पैसा होता है कार्यपालक पदाधिकारी से और ठेकेदार से संबंध है, पार्षद से कहीं दूर दूर तक घोटाला का नहीं है। अफसर और ठेकेदार ही मिलकर वो वित्तीय पावर है। जियो इतना भी एक सुई भी खरीदना होगा, बंटी बाबू आपको जानकारी नहीं, वो टेंडर जाता है, टेंडर में जो भाग लेता है उसी को टेंडर दिया जाता है। हम लोग मर्जी से नहीं खरीद सकते और ना ही रेट लगा सकते। इसका जवाब आप कार्यपालक पदाधिकारी से लीजिए, ईओ साहब से लीजिए आप जाकर कि कितना घोटाला हुआ है, कितना में खरीदा गया है, हम लोगों को जानकारी नहीं। आप लोग तो मेंबर हैं ना, आप लोग तो मेंबर हैं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए ना। तो हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग को जानकारी नहीं है। जब मीटिंग होगा, बैठक होगा, उसमें ना पूछा जाएगा कि सैनिटाइजर कितना खरीदाया गया है, कितना ब्लीचिंग खरीदाया गया है, कितना चूना खरीदाया गया है, क्या रेट से आया है, बिल भुगतान तो हुआ तो, है। ये तो आपका हक बनता है उनसे पूछने के लिए, तो आप क्यों नहीं पूछते हैं इस तरह की बात? अभी आपको तो जानने का हक है, जनता आपसे भी सवाल कर सकती है। कर सकती है, तो मीटिंग होगा। अभी लॉकडाउन की वजह से मीटिंग भी नहीं हो रहा है। लॉकडाउन का लॉकडाउन तो इधर लगभग 20-25 रोज से ना, इसके पहले के कई मामले हैं, उसमें आज तक आप लोगों ने कहीं एक बार नहीं पूछा, नहीं पूछा। पूछते हैं जी, सारे लोग पूछते हैं। आप पूछते हैं? हाँ, एकदम पूछते हैं। क्या बताया जाता है? जो बताया जाता है कि ये रेट को खरीदाया गया है, ये रेट को भुगतान हुआ है, उसमें ईओ जानते हैं और ठेकेदार जानते हैं, पार्षद लोग को क्या पता है? हम लोग को जानकारी हो जाता तो आपको है। आपको तो उस मामले को उजागर करना चाहिए। तो वैसा घोटाला नजर आएगा तभी ना उजागर करेंगे। तो अभी तक आपको घोटाला कोई नजर नहीं आया? जब से आप दो बार से हैं आपको घोटाला आज तक नजर नहीं आया? नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं पिंकू जी कि दो बार से आप हैं, लगभग 10 साल पूरे होने जाएंगे, अभी तक एक भी घोटाला नजर नहीं आया? नजर आया है तो उस पर FIR नहीं हुआ है? आप तो आवाज नहीं उठाए। अच्छा, आवाज उठाए थे, हम उठाए चाहे और पार्षद उठाया है ना, और 300 आदमी में से एक हम ही नहीं हुए, कोई एक आदमी उठाता है उसका आदमी समर्थन करता है। अच्छा चलिए, और बताइए पिंकू जी कि अगर आपका त्यागपत्र एक्सेप्ट नहीं होता है जी, तो फिर अगला कदम क्या होगा? क्या यह मान लिया जाए कि इसी तरह से फिर ये एक त्यागपत्र दे करके फॉर्मिलिटी पूरी कर ली जाएगी, या पिंकू जी वाकई अब ऊपर की तरफ भी जाएंगे, अपने त्यागपत्र को सौंपेंगे और वाकई में रिजाइन देंगे? देखिए, त्यागपत्र का सभापति का हाथ का है, वो होगा, मगर हम अपने NGO के थ्रू और समाजसेवी के थ्रू और हम लोग अपने वार्ड को और गरीब आदमी को हम लोग अनाज नहीं, वो तो ठीक है। अगर आपका रिजाइनेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया गया सभापति के द्वारा, तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा? अब अगर हमारा मांग था उन लोग से कि अगर गरीब आदमी को अनाज मिल जाए, राशन कार्ड मिल जाए, तो हम वापस अपना रिजाइनेशन। 2.5 लाख रुपए वार्ड को, अगर सभी वार्ड को, एक मिनट सर, 2.5 लाख रुपए जो आपकी डिमांड थी 3800 वार्ड को अगर मिल जाए तो फिर वो आपका ये हो जाए? देखिए, मेन है पैसा का मामला, 2.5 लाख 3 लाख 2.5 लाख का अगर सामग्री, माल सामग्री अनाज सारे शहर में 3800 वार्ड में अगर सामग्री, सामग्री में ही ना घोटाला होता है, जब सामग्री की खरीदारी नहीं होगी तो फिर घोटाला कहाँ से सामने आएगा? तो ये तो हम लोग नहीं करते, उसको तो एग्जीक्यूटिव से बताएंगे कि कितना घोटाला करेंगे वो। तो ये माना जाए कि आपकी बातों को अगर मान ली जाए राशन कार्ड का जो आपके सामने हम दिखाए हैं ना कि राशन कार्ड नहीं बना है, अगर उसका हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप त्यागपत्र वापस ले लेंगे? अब वापस हम नहीं ले सकते हैं, अब तो सभापति के हाथ में है, या रिजेक्ट करे चाहे एक्सेप्ट करे, ये हमको कथा लिख कर देने के लिए वो लिख दिए, अब वापस हम नहीं ले सकते। उनका काम है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का, मेरा काम नहीं है। तो आपने सुना, ये थे वार्ड पार्षद सलीम सिद्दीकी उर्फ पिंकू। कई बातों को लेकर के इनसे पूरी तरीके से विस्तृत चर्चा की गई और इन्होंने कहा भी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जो आवाज़ बुलंद की गई है वार्ड पार्षद पिंकू के द्वारा, वो आवाज़ क्यों नहीं बड़े बड़े घोटाले हुए उस समय
उठाई गई। और जिस तरह से अभी पिंकू जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी कर ली जाती है वार्ड के लोगों को, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 3800 वार्ड में 2.5-2.5 लाख रुपए का एक फंड दे दिया जाए सामग्री पहुंचाने के लिए गरीबों तक, जैसे कि इन्होंने बताया कि 8 करोड़ रुपये नगर परिषद में फंड है, तो अगर उस तरह से कर दिया जा रहा है फंड दे करके 2.5-2.5 लाख रुपए सामग्री पहुंचा दी जा रही है, इनको दे दी जा रही है और वार्डों में दे दी जा रही है, तो उसके बाद राशन की भी कुछ बात है कि राशन कार्ड को भी बना दिया जाए, इस तरह की कुछ मांगे हैं। अगर पूरी हो जाती है तो इनका कहना है कि उसके बाद अब नगर सभापति के ऊपर यह सब कुछ दरमदार है कि क्या वो मेरा रिजाइनेशन लेटर को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से सलीम सिद्दीकी उर्फ पिंकू ने अपना त्यागपत्र सौंपा है, कहीं ना कहीं नगर परिषद और पूरे सिवान के शहरी क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे यह हाई वोल्टेज ड्रामा क्या कुछ रंग लाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम इस पूरे खबर को आज से लेकर के और उस समय तक दिखाएंगे कि क्या इनका त्यागपत्र एक्सेप्ट किया जाता है या फिर एक हाई वोल्टेज ड्रामे की साजिश में त्यागपत्र को फेंक दिया जाता है। तो कृपया दर्शकों से कहेंगे कि आप ATN लाइव चैनल को देखते रहें और इस सारे मामले से हम पर्दाफाश करने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।